हेलो दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं सरकार का सबसे बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको अब डीएल लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, चाहे टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर, आपको डीएल लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आपका सारा काम जो कि आपको मोबाइल से होगा, सारा चीज़ आपके मोबाइल में होगा, आपके मोबाइल में ही सारा चीज़, डीएल भी रहेगा, आरसी भी रहेगा, सारा चीज़ आपके मोबाइल में रहेगा और आप मोबाइल से ही अपना सब चीज़ देख सकेंगे। तो आपको एक ऐसा गवर्नमेंट एप्लीकेशन जो कि लॉन्च हुआ है जिसका नाम है डिजिटल लॉकर। तो ये एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो कि पारित हुआ है, ये लॉन्च हुआ है दो एप्लीकेशन। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप डीएल और आरसी को स्कैन कॉपी उसमें रख सकते हैं और कहीं भी आप उसको दिखा सकते हैं लोगों को, कहीं भी अगर आपका चालान नहीं कटेगा, आपको ऑफलाइन जो कि आपको हार्ड कॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कौन सी एप्लीकेशन और कैसे उसमें स्कैन करके कैसे अपलोड करना है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर बार की तरह दोस्तों सबसे पहले लाइक वाले बटन पर क्लिक करके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लेकिन इससे कुछ मुझे मिलता नहीं, लेकिन आपका मोटिवेशन जरूर मिलता है दोस्तों मुझे। और यहाँ सब्सक्राइब वाला बटन, यहाँ लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है, इसको क्लिक करके काला कर दें और बगल में आई हुई घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी को दबाने से हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा दोस्तों। और सबसे पहले नीचे यहाँ पर जाना है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यहाँ पर आपको लिखना है आई लव दिस वीडियो, आई लव दिस ऐप, तो आपको जरूर यहाँ पर कुछ भी लिखना है और लिखकर यहाँ पर आपको सबमिट करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इससे दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है डिजी लॉकर। तो दोस्तों हाउ टू यूज डिजी लॉकर, कैसे यूज करें डिजी लॉकर, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता रहा दोस्तों। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर साइन इन और साइन अप। अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इसको साइन अप करिएगा, यहाँ साइन अप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और जैसे मोबाइल नंबर डाल के आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई करना है। तो मैं इसमें नंबर डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ। दोस्तों आप जैसे अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे आपके नंबर पर OTP आएगा और डायरेक्ट अगर वो मोबाइल नंबर उसी मोबाइल में अगर लगा हुआ फ़ोन में तो ऑटोमेटिक वो वेरीफाई कर लेगा OTP को। और जब आप वेरीफाई OTP करें तो नेक्स्ट स्टेप आपको आएगा यूजर ID और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों आपको यूजर ID जैसे आपको बनाना है, जैसे आपका नाम अगर राम है तो आप यूजर ID बना लीजिए Ram12। और यहाँ पर पासवर्ड आपको बनाना है, पासवर्ड का मैं बनाने के लिए आप हिंट बता देता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर पासवर्ड न्यूमेरिक नहीं लगाना है। यहाँ पर जैसे पासवर्ड आपको बनाना है, जैसे आपका नाम राम है तो Ram123@ या कोई भी एक स्पेशल करेक्टर और या फिर जो कि एक न्यूमेरिक और अल्फाबेट तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये स्ट्रांग पासवर्ड रहेगा। तो मैं चलिए सारा चीज़ आपको कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको वीडियो नेक्स्ट करता हूँ, फिर आगे साइन अप करता हूँ। दोस्तों इस प्रकार मैंने सक्सेसफुली जो है कि साइन अप कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं OTP आज वेरीफाई एकदम सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर सेट पिन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर अभी नॉट नाउ कर लेता हूँ, आप सेट पिन कर सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, तभी नॉट नाउ कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब जब साइन अप कर लेंगे, आपका सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा, उसके बाद आप बैंक जाकर साइन इन करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपका यूजर ID और पासवर्ड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इशूड अपलोड डैशबोर्ड तीन ऑप्शन आ रहा, तो आपको यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपको RC और जो है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले स्कैन कॉपी करके अपने मोबाइल में फोल्डर में डाल लेना है और यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करके फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, अपने मोबाइल से जो भी फाइल है उसको लेकर यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस पर अपलोड करेंगे दोस्तों ऑटोमेटिक को जो कि वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है और आपके सामने जो कि पूरे तरीके से जो है कि वो लीगल है और पूरी तरीके से स्कैन कॉपी आपकी इसमें आ जाएगी। आप कभी भी कहीं भी आपको किसी को दिखाना है तो आप डायरेक्ट जो कि इसको खोलकर आप दिखा देंगे। तो बहुत ही कमाल का जो कि एप्लीकेशन है गवर्नमेंट द्वारा जो कि पारित हुआ है डीजी लॉकर, तो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी वो कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे बटन को जरूर दबाना, नहीं तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो तभी मिलेगा। तो मिलते हैं नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू सो मच।